रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में रविवार को डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिले के समस्त थानों के पैरोकारों के साथ बैठक सकुशल संपन्न हुई। बैठक के दौरान एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी और एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में प्रभावी रूप से पैरवी कराए जाने के लिए, जिससे न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों का अविलंब निस्तारण किया जा सके, इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही न्यायालय में नियुक्त सभी कोर्ट मुहर्रर के द्वारा प्रतिदिन न्यायालय के नियत मुकदमों का साक्षी रजिस्टर बनाए जाने और सभी पैरोकार अपना रजिस्टर पैरवी में प्रतिदिन उस मुकदमे का अपने रजिस्ट्री में अंकित करें, इसके लिए खास तौर पर निर्देश दिया गया। इस दौरान डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा जो भी पैरोकार अपने कोर्ट के विचाराधीन मुकदमे में चल रहे मामलों में आरोपी को सजा करा पाएगा, उसे उचित इनाम देने की घोषणा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, को बताइए, उसके बाद अपने सीओ को बताइए, नहीं हो तो हम लोगों को बताइए, कैसे नहीं करेंगे। नौकरी जिसने किया है उसे काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बना लीजिए। न्यायालय का अलग, एक बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पता चली, आप लोग करो, न्यायालय में अहकाम भी रिसीव हो जाते हैं, उसमें लगी हुई है 4 अप्रैल की, तो कोर्ट में कहा जाएगा 4 अप्रैल को दीजिएगा जब फाइल निकले। ये प्रैक्टिस है ना बाबू जी, लेते नहीं आप ढोइए। 4 अप्रैल तक रात से रात छोड़िए, हो नहीं पाएगा, हमारे यहाँ मैन पावर की बड़ी शॉर्टेज है, हो नहीं पाएगा, इस नाते सारी जिम्मेदारी आप पे रहे। उसमें से आप लोगों के पास जो भी हो, मैं ये नहीं कहता 100% मुझे दे दो, आपके पास 10 मामले 20 मामले वो आप मिस्टर हत्या, ये 323 504 506 नहीं, संगीन मामले 300 से ज्यादा निकले जिनमें 40 फ्रेम नहीं हुआ था, ये अच्छा नहीं, और ये आपकी नालायकी, हमें भी कुछ सुनाने लायक बनाओ तो यार, इसमें 40 फ्रेम करवा दो। अपनी याददाश्त डायरी जैसे मैंने बताया, जिसकी भी मैंने देखी थी, एक दो में बहुत अच्छी बनाई थी, एक दो के खराब थे, उसको आप याददाश्त डायरी को आज ही ठीक कर लीजिए, और उसमें 31 दिसंबर तक का कालम आपके पास होना चाहिए डेट वाइज, जो प्रगति जैसे आगे होती जाए किस डेट में लगा, उस डेट में सिर्फ वो मुकदमा नंबर एसटी नंबर आपको चढ़ा लेना है, और किसके लिए लगा है वो चीज लिख लेनी है, लौट के इसी को थाने के डेट वाइज में लिख देना है। इसके बाद अब मैं आ गया था पैरवी रजिस्टर, पैरवी रजिस्टर आपका वो रजिस्टर है कि उसमें वो सारे मुकदमे जिनके लिए कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, संबंध ले जाओ, गवाह ले जाओ, माल ले जाओ, साफ अब जिरह में चल रहा है, बहस में चल रहा है, फाइनल एविडेंस में चल रहा है, साफ सजा की डेट मुकर्रर हो गई है, तो ये सारे मुकदमे जितने आपके हैं ये आपके पैरवी रजिस्टर में होंगे, इनमें कोई वर्ष का अनुक्रम की कोई जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा अनुक्रमणिका बनेगी, अनुक्रमणिका में क्रमांक से आपने 40 मुकदमे 40 चढ़ा लिया और अंदर किस पेज पे, उस पेज में सारा विवरण मिलेगा कि कौन सा मुकदमा अपराध संख्या है, क्या धारा है, क्या एसटी नंबर है, किस कोर्ट में चल रहा था, कौन सरकारी वकील थे, कौन पीओएपीओ थे, इसमें कौन कौन गवाह हो गए, कौन बाकी है, और अब ये किस स्थिति में फाइनल, अगर अपील में जाता है तो अपील भी आप वही लिखेंगे और नहीं जाता है तो अपील में नहीं गया। तो इस तरह से थाना क्षेत्र में जितने मुकदमे ट्रायल में हैं, उन मुकदमों की अलग से जो सूची छांट के बनती है वो होता है पैरोकार का पैरवी रजिस्टर। दे दीजिए लिखा पढ़ी में कागज बना के हमें दे दीजिए, आप कागज में वैसे दे दीजिए ला करके हमें इंफॉर्मेशन के रूप में, एज इंफॉर्मेशन नॉट द लेटर, आप पत्र मत लिखिए, हमें पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट करा दीजिए कागज पे टाइप करके, कंप्यूटर में टाइप करके, और हमें ला के दे दीजिए साहब, ये एक क्राइम है आपका, ना तो नाम लिखना उसमें, ना थाना लिखा, क्राइम नंबर लिखा जिसका शुरुआत ही नहीं हुई, टेक यू दिस इन्फॉर्मेशन, इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ये जरूर देना है आपको। तारीख को उठाएंगे किस तारीख में इतने अहकाम आता है, जरा डीजी खोल के दिखा दो कंप्यूटर पर, या दर्ज कहाँ है, क्रॉस चेक करने में भी सुविधा हो, वो सारी चीजें मैंने सिलसिलेवार आपको रजिस्टर वाइज, और रजिस्टर कैसे बनता है, सूची गवाहान जो आप लिखते हैं उसमें भी जरूर भी डालना पड़ता है, उसका नंबर जहाँ जहाँ में, चाहे कार्डिस्ट केस वाइज में हो, चाहे डेट वाइज में हो, चाहे अपने पैरवी रजिस्टर में हो या याददाश्त डायरी में हो, वो चीजें आप करने लगेंगे आपको खुद लगेगा, आप लोगों मेरा सब चीज है क्रिस्टल क्लियर है, आईने की तरह से चल रहा, आपको भी सुविधा होगी, हमें सुविधा होगी, और सबसे बड़ा भाग फायदा विभाग का होगा कि जो भी आपने सजा कराए हो पिछले 3 महीने दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में कराए हैं, नोट कर लीजिए,
बसंत लाल सर, आपकी जिम्मेदारी होगी जो निर्देश आज अरुण ने दिए हैं सर, सर मनोज ने दिए हैं आपकी, आप लोग इसको एक एक को नोट किया होगा और जो निर्देश अगर भूल भी गए हैं और न बता पाए हो वो भी लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने चार्जशीट और एफआईआर जमा करवाई जी सर, प्रतिदिन लेटर जारी किया गया, हर 7 दिन में पत्र जारी हुआ, वीडियो लेटर टू ऑल एसएचओ एंड सीओ सारा कर लिए गए, कंप्लीट है, तो सीओ भी और एसएचओ भी दोनों लिख के भेजेंगे, प्रमाण पत्र देंगे, अगले 15 दिन में ये चीज हो जानी चाहिए। पैरोकार बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे पुलिस विभाग की और ऑफकोर्स इसकी वजह से ही हम सजा करवा पाते हैं, इसकी वजह से ही कोर्ट से हमारा इंटरेक्शन रहता है, सब चीजें हमारी इस वजह से रहती है। तो जितने निर्देश दिए चाहे वो पॉजिटिव से रिलेटेड हो, फेलियर से रिलेटेड हो, अन्य जो भी आप लोग दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, समय से होना चाहिए, क्योंकि कई बार शिकायत मुझे मिली कि साहब पैरोकार आते नहीं कोर्ट्स में, जज साहबान हम लोग मॉनिटरिंग सेल की जब बैठक करते हैं तो कहते हैं कि साहब पैरोकार आते नहीं, समय से हमें कागज देते नहीं और इस वजह से हमारे न्याय में विलम्ब हो रहा है। मनीष वो चीज आप पर बता रहे हैं, जैसे अभी एक चीज आएगी साहब वीनियस क्राइम कुछ ऐसे है जो उस पर ट्रायल भी नहीं, तो क्यों नहीं है ट्रायल में, उसकी जिम्मेदार कौन है? ये चीज आप लोगों को हमें देनी है और जितने निर्देश मिले और लिखावटी माज बना करके शाम तक मेरे साइन करा लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक करा लेंगे, आज रात में आप बनाने में समय लग रहा, लेकिन एक एक बिंदु आना चाहिए, पेश कर चेक कराओगे और जो पत्र बनाओगे वो पहले एसपी साहू साहब को दिखा दोगे, ये पत्र मैंने बनाया, उसमें जो बिंदु आप पढ़ लेना एक बार, अप्रूव कर देना, ये एकदम परफेक्ट है, वो फाइल आपके पास करो का रिलेटेड फाइल आपके पास हमेशा रहेगी। जनपद के सभी थानों के पैरोकारों की मीटिंग की गई है, पैरोकार जो हमारे कोर्ट में पैरवी करते हैं और बदमाशों को सजा दिलवाने का काम करते हैं, उसके संबंध में हमारे एडिशनल एसपी एसपी साउथ और एसपी नॉर्थ के द्वारा जनपद के सभी पैरोकारों को बुलवा करके बैठक की गई, इसमें विशेषज्ञ के रूप में एसपीओ श्री बीडी मिश्रा जी को बुलाया गया है ताकि निर्देश दे करके और पैरोकार जो कार्य कर रहे हैं चाहे वो कॉज लिस्ट का हो चाहे पैरवी रजिस्टर का हो उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और वो लोग अच्छी तरह से पैरवी कर सकें और पैरवी कराएं, इसके लिए हम लोगों ने इनको बुला करके इनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, इनके रजिस्टर्स देखे हैं ताकि हम लोग सजा का प्रतिशत बढ़ा सकें और अच्छी तरह से बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई हो सके जिससे अपराध को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए हम लोगों ने यह अभियान चलाया है और पैरोकारों को हम लोग कंटिन्यूसली अब नज़र रखेंगे। सीओज और एसएचओज से हमने सर्टिफिकेट भी मांगा है कि पैरोकारों के पास रजिस्टर्स कंप्लीट है और उनके पैरवी उनकी जो है बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है, पुलिस विभाग की तरफ से सज़ा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है पैरोकार और उन्हीं की हम लोगों ने आज मीटिंग करी। जिन लोगों ने जो जिन पैरोकारों ने कोर्ट्स के माध्यम से जिन्होंने सज़ा कराई है 10 साल से ऊपर की जिन हीनियस क्राइम में सज़ा कराएंगे उनको हम लोगों ने कहा है कि वो लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको स्टेट लेवल से और जिला लेवल पर हम लोग पुरस्कृत कराएंगे और यहाँ तक कि जिन जो सबसे अधिक सज़ा कराएगा जिले में उसको हम डीजी कमांडेंसर डेस्क के लिए भी नाम श्रीमान पुलिस महानिदेशक को भेजेंगे।